आज के एपिसोड का विषय है ग्रीनहाउस सफेद मक्खी। किसान भाई और बहनों, ग्रीनहाउस सफेद मक्खी दुनिया भर के ग्रीनहाउस में सब्जियों और सजावटी फसलों के प्रमुख कीटों में से एक है। ग्रीनहाउस सफेद मक्खी मूल रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अमेरिका, शायद ब्राजील या मैक्सिको से आता है। विभिन्न परिवारों की सैकड़ों पौधों की प्रजातियां इस सफेद मक्खी के लिए उपयुक्त मेजबान के रूप में काम करती हैं। यह कई फसलों पर होता है, जिनमें बैंगन, बीन्स, ककड़ी, मीठी मिर्च, टमाटर, गुलाब, जरबेरा शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में इस कीट का प्रकोप 1000 मीटर से अधिक ऊंचे क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। सफेद मक्खी के लावा को विकास के लिए बहुत अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है और इस प्रकार वे बड़ी मात्रा में पौधे के रस का सेवन करते हैं। सफेद मक्खी फसल को जो नुकसान पहुंचाती है,